गुजरात विधानसभानी चूंटणी नजीक आवी रही छे, तेम तेम गुजरातमां आम आदमी पार्टी वधु सक्रिय छे। आम आदमी पार्टी छेल्ला केटलाय समयथी गुजरात सरकारनी खामीओ शोधवामां लागी छे, त्યારે ફરી એકવાર આમ આદમી પાર્ટીએ ગુજરાતમાં નબળું શિક્ષણ મળતું હોવાનો દાવો કર્યો છે। દિલ્હીના શિક્ષણ પ્રધાન મનીષ સિસોદિયા વડોદરાની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે શિક્ષણ વ્યવસ્થાને લઈને રાજ્ય સરકાર પર પ્રહાર કર્યા અને દાવો કર્યો કે અહીં કોઈ બતાવવા લાયક શાળા જ નથી। ગુજરાતના એજ્યુકેશન મોડેલનું સત્ય અહીં ઊભા કરેલા મોડેલમાં બતાવ્યું છે। हम उसको ये नहीं दिखाते, देखो हमारे कंप्यूटर इतने अच्छे लगा रखे हैं सेंटर पे, डेटा सेंटर सबके पास है, लेकिन हम उसको दिखाते हैं आओ स्कूल देखो, बच्चे देखो, उनके चेहरे देखो, उनका कॉन्फिडेंस देखो, टीचर्स से मिलो कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों से मिलो कैसे पढ़ रहे हैं, हम वो दिखाते हैं। हमें गर्व होता है हम अपने स्कूल दिखाते हैं। गुजरात सरकार को शर्म आ रही थी कि हम अपने स्कूल कैसे दिखा दें। सारे देश के शिक्षा मंत्रियों को बुला के गुजरात का एक भी स्कूल नहीं दिखाया गया, ये बहुत शर्म की बात है।